हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे उन पर बेस्ड है। तो ये एक्सरसाइज आपसे तभी होगी जब आपको कुछ फॉर्मूले लर्न होंगे। तो हम लोग आपकी कोशिश करेंगे जब जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाए ताकि आप लोग उसे याद रख सकें और उसका एप्लीकेशन भी आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, साइंस स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन। देखिए, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बताया गया है, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन की पावर 4, इनका इंटीग्रेशन आपको नहीं बताया गया। तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। करने को आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड होते हैं। हम लोग आगे भी एक दो क्वेश्चन में देखेंगे जिसमें हम एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे। आपके पास एक गोल्डन फॉर्मूला है जिसे मैं अपनी सभी वीडियोज में गोल्डन फॉर्मूला बोलती हूँ, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। 11th क्लास से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, दैट इज 1 - cos θ एंड 1 + cos θ। 1 - cos θ इज 2 sin²θ/2। तो बेसिकली वी यूज दिस फॉर्मूला, हेयर इज sin²θ by 2, this is your theta by 2, 2x + 5. If it is theta by 2, then theta equal to 4x + 10. तो यहां पर आपके पास क्या कंप्लीट होगा, अगर आपके पास ये वाली साइड दी है तो यू हैव टू मेक दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको 2 कोफिशियंट यहां लेकर आना पड़ेगा, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। नाउ दिस इज बिकम दिस वन, इसके लिए आपने क्या करा, 1 माइनस। इफ इट इज थीटा बाय 2 यू हैव टू पुट थीटा, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला बेसिकली। यहां पर आपके पास एंगल हाफ हो गया, यहां आपका डबल हो जाएगा। तो वी आर गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर, सो वी हैव टू डबल द एंगल। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, 1 - cos 4x + 10। नाउ कैन यू एन इजिली टेक द इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन, यहां पर x है नहीं, वी एज्यूम कि यहां पर x है, तो cos x का इंटीग्रेशन -sin 4x + 10 एंड आप यहां देखिएगा x की जगह पर जो चीज चल रही है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। 4x plus 10 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 4, तो वो 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, चेन रूल लगा रहे हैं, तो एक कंपल्शन है आपके पास, डिनोमिनेटर में ओनली कॉन्स्टेंट्स आर अलाउड। अगर आप लोग कोई ऐसा डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसमें चेन रूल लगकर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ रहा है, तो वो चेन रूल एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहां पर हमारा चेन रूल तभी लग पाया जब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉन्स्टेंट है, 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है sin 3x cos 4x, आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है। अगर आपको 11th के फॉर्मूलाज थोड़े से लर्न है तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता था जिसमें आपके पास sin a + b - sin a - b दैट इज इक्वल टू 2 cos a sin b। हियर a शुड बी ग्रेटर देन b। तो आप लोगों के पास ये वही फॉर्मूला है, एक साइन एक कॉस वाला। जो कॉस वाले फॉर्मूलाज होते हैं उसमें दोनों कॉस होते हैं या फिर दोनों साइन होते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपने कॉस 4x को आगे लिखा, साइन 3x को नीचे, क्योंकि बड़ा यही है आपके पास। तो इससे क्लियर हो गया कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि a बड़ा होता है b से, और इसके लिए आपको यहाँ 2 चाहिए, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ दिस बिकम 2 cos 4x cos sin 3x, दिस इज बिकम sin a + b 7x - sin a - b sin 3x। साइन 7x का फॉर्मूला क्या होगा, -cos 7x, और 7x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो अपॉन में 7 आएगा विच इज अलाउएबल। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो दैट इज -(-+cos x), आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में बस इतना सा फर्क है कि वो चीज जो 2 में आपको गिवन थी वो 3 में आ गई, तो आप पेयरिंग जो है वो 2-2 का ही करेंगे। अब कॉस, तो सबसे पहले तो ये वाली चीज आगे लिखी जाएगी, ये आपके पीछे चली जाएगी, cos 4x cos 2x। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कॉस वाले कौन से फॉर्मुलेज होते हैं। कॉस वाला, दोनों कॉस जिसमें होते हैं वो कॉस वाला ही फॉर्मुला होता है, cos a + b + cos a - b दैट इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो हम लोगों ने इनकी दोनों की पेयरिंग करी और cos 4x को आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती, cos 6x पीछे चला गया, 2 से मल्टीप्लाई और आप लोगों ने डिवाइड करा। नाउ दिस इज बेसिकली cos a + b एंड +cos a - b, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास cos 6x चल रहा था, वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बिकम cos²6x, दैट इज बिकम cos 6x cos 2x। दोनों पर आप अलग अलग जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए, दैट इज हाफ cos²6x, हाफ cos 6x cos 2x। वी एज्यूम दैट इज i1, दैट इज i2, सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम i1 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर अगर आपको नजर आता है तो गोल्डन फॉर्मूला ही आपके लिए हेल्पफुल है। गोल्डन फॉर्मूला इज 1 + cos θ, 2 cos²θ/2। तो दिस इज लाइक दिस, तो ये आपके पास थीटा बाय 2 है,
अगर ये आपके पास थीटा बाय टू है तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 12x हो गई आप लोगों के पास। तो आप देखिए, अब आप इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, नाउ ये आपके पास यहाँ डबल हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कॉस 12x। नाउ 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 12 का इंटीग्रेशन साइन 12x, और 12x का आप डेरिवेटिव लेना नहीं भूलेंगे, दैट इज 12 विच इज अलाउेबल। अब 1 बाय 2 को अंदर इंटू कर दीजिए, आई 1 की वैल्यू आ गई। आई टू इज बेसिकली द सेम लाइक दिस, आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, नाउ दिस इज कॉस ए, कॉस 2 कॉस ए कॉस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 8x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 8x अपॉन 8, और कॉस 4x सॉरी कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन 8, और कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4। 1 बाय 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो I2 और I1 की वैल्यू आपने निकाली है उसे आप यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे दो तरीके से किया जा सकता है, लाइक आप इसमें सेपरेट भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है, आपको हो सकता है पीछे जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं उनसे आंसर आपको डिफर मिले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिफरेंट मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आंसर डिफर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आप लोगों को दिखाया है कि हम लोगों ने अपने एक मेथड से क्वेश्चन किया है तो हमारा आंसर अलग आया है, बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप बुकिश वाले तरीके से करते हैं तो आपका आंसर उनके तरीके वाला भी आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन। फिर वही बात, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों के पास नहीं है तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कहां से होगा? तो आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड करना पड़ेगा, दैट इज साइन 3 थीटा व्हिच इज बेसिकली 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से आप साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, दैट इज द वैल्यू। तो वो वैल्यू हम लोगों ने यहां लगा दी और हमें पता है कि थीटा की जगह, दैट इज द थिंग। तो ये कितना हो गया आपके पास, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अपॉन 4। 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 3 एज इट इज, साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा आप लोगों के पास, अपॉन इसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलेंगे, दैट इज 2। फिर साइन 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन में 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव, दैट इज 6, और आप 1 बाय 4 से इंटू कर देंगे, यू गेट योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने आपको दो तरीके से करके दिखाया है, एक फॉर्मूला है और एक सब्सिट्यूशन है। सब्सिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग इंटीग्रेशन में बहुत हद तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अगर आपके पास थीटा सेम हो तो आप इसे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको पता है कि साइन 2 थीटा इज बेसिकली 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हम जनरली ये वाली कोशिश करते हैं अगर आपके पास सेम एंगल चल रहा हो तो। तो आप देखिए क्यूब के लिए आपको यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना पड़ा। अब अगर आप 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को, कैन वी राइट 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, इट्स द सेम 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। नाउ 2 साइन एक्स कॉस एक्स बिकम साइन 2x। नाउ साइन 2x का होल क्यूब भी आपके पास आ गया, और इसे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फॉर्मूले में हम लोगों ने किया है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया है, तो आप लोगों का आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। सिमिलरली हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, दैट इज 6x अपॉन 4। 4 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 3 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज 2। साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x, और 6x का डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा, अपॉन 6। इसी को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी के आंसर्स मैच करना चाहते हैं तो, बट ऊपर वाला मेथड भी आपका डेफिनेटली करेक्ट है। तो आप लोग इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इस वाले तरीके से जो आपको अच्छा लगे। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर डिफर करता है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसमें आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन क्यूब के साथ नहीं लेना, कभी भी सब्सटीट्यूशन पावर के साथ नहीं लगता, जनरली वो पावर के बिना ही अप्लाई होता है। टी कॉस एक्स आप लोगों ने लिया, t का डेरिवेटिव dt टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। नाउ dx की वैल्यू माइनस dt टी अपॉन साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स एज इट इज, दैट इज बिकम t क्यूब इन टू डी टी अपॉन साइन एक्स। तो एक साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बट द रिमेनिंग इज साइन स्क्वायर एक्स। अब जब आपका t में इंटीग्रेशन हो चुका है तो x वाली टर्म्स तो चलनी ही नहीं चाहिए, तो कैन वी राइट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को आपने t लेट किया था, दैट इज बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर। टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम टी क्यूब माइनस टी की पावर 5। ये जो माइनस चल रहा है इससे आप इनके साइन रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज बिकम टी की पावर 5 पॉजिटिव में हो जाएगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी 6 अपॉन 6, और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन टी 4 अपॉन 4 प्लस सी। टी की ओरिजिनल वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में अगर देखेंगे तो ये आंसर है। उसे पहले जो हमने मेथड किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपको समझ आए, वो आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थ्री, उसमें भी आपके पास तीन टर्म्स थी, तो आप ये देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे और साइन टू एक्स और साइन एक्स को ले लेंगे और साइन थ्री एक्स पीछे चल ही रहा है, इसको पहले टू से मल्टीप्लाई और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों साइन किस में आते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में, दैट इज माइनस टू साइन ए साइन बी, तो आपको माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई में साइन थ्री एक्स चल रहा है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम इसका आई वन अलग ले रहे हैं, आई टू अलग, ताकि इजिली उन्हें अलग अलग सॉल्व किया जा सके। अब जो आई वन है उसमें आप देखिए थीटा सेम है, तो जब थीटा सेम होता है तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दैट इज बिकम साइन टू थीटा का फॉर्मूला, दैट इज टू कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज बिकम साइन टू थीटा, दैट इज सिक्स एक्स, और साइन सिक्स एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सिक्स एक्स, और सिक्स एक्स का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, दैट इज सिक्स, यू गेट योर आंसर। नाउ आई टू, आई टू में आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक साइन है और एक कॉस है, साइन और कॉस वाले साइन के ही फॉर्मूले होते हैं, और अगर साइन वाला बड़ा है तो साइन ए, ये वाला फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, तो दैट इज बिकम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन का इंटीग्रेशन आपके पास कॉस माइनस माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, एंड कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ऑल्सो माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। आपकी जो आई वन और आई टू की वैल्यू है उसे उसकी जगह पर सब्सिट्यूट कर देंगे, आप लोग आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट में तो क्लियरली है कि आपका गोल्डन फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, तो वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स दिखते ही आप लोगों को कुछ और नहीं करना होता, गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड द गोल्डन फॉर्मूला, दीज टू आर नोन एज गोल्डन फॉर्मूला, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो वन माइनस कॉस थीटा की जगह पर आपने क्या रख दिया, टू साइन स्क्वायर x by 2, that is 2 cos square x by 2, 2 से 2 cancel out हो गया, 10 square, 10 square का integration नहीं होता, 10 square को हम लिखते हैं secant square x by 2 minus 1, now secant square का integration 10 x by 2, और x by 2 का अगर आप derivative लेंगे तो वो नीचे 1 by 2 आएगा, which is returned as 2 minus 1 का integration minus x plus c। 9th question, अब यहाँ golden formula denominator में अगर आप लगा देते हैं, तो देखिए नीचे दिख रहा है कि 1 plus cos x है, तो आप लोग कहेंगे golden formula तो लगना ही लगना है। ऐसा है कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन के अंदर एक एंगल को हाफ कर रहे हैं तो फिर पूरे क्वेश्चन में जनरली आप लोगों को हाफ होना चाहिए। लाइक अगर आप यहां पर 2 cos square 1 plus cos x को 2 cos square x by 2 लिखते हैं तो न्यूमिनेटर में भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, x नहीं चलना चाहिए, ताकि इजीली सॉल्व हो सके। इसलिए हम अभी इसमें डायरेक्ट गोल्डन फॉर्मूला नहीं लगा रहे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। 1 plus 1 minus, नाउ दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये देखिए हम लोगों ने 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और एक बार दिस अपॉन दिस करा, नाउ दिस इज कैंसिल आउट 1, यहां पर अब आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर 1 है आपके पास, तो 1 प्लस कॉस एक्स में गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का आप डेरिवेटिव जरूर लेंगे, दैट इज 1 बाय 2, उसका 2 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, 2 से टू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन आपको लेना है साइन की पावर 4x का। अब 4x का भी आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ साइन स्क्वायर के लिए तो आपको गोल्डन फॉर्मूला बताया है हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, अगर आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाता है तो आप 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की बजाय आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं, ये 2 इसके अपॉन में चला गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस, इसका डबल हो जाएगा आपके पास, अपॉन 2 होल स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर आप अलग कर दीजिए और 1 बाय 2 का स्क्वायर अगर आप अलग कर देंगे तो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस 2 एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर दिया, इसका अलग अप्लाई कर दिया, इसका अलग अप्लाई कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, फिर से यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यू हैव टू अप्लाई द गोल्डन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज गोल्डन फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो 2 है इसे आप इसके अपॉन में ले जा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ये स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो पहले ले चुके हैं, ये 1 बाय 8, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4, 1 बाय 4 साइन 2x, हम लोग कॉस 2x का इंटीग्रेशन ले चुके हैं एंड यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच।